फ्रेश फ्रेश मुसलमान हो के आ रहे हैं, वो कर गई ब्लास्ट मोटरवे पे। और काफी प्यारा बना, हर एक साइड चेक करने की माशाल्लाह बड़ी मजेदार की सड़की। अच्छा जी, तो सीन ये है कि देखें गाड़ी आगे से है जी बिल्कुल साफ सुथरी, पार्ट्स पड़े हुए हैं, उसके बाद वो एग्जॉस्ट, स्टीयरिंग, साउंड सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी रमज़ान मुबारक, उम्मीद है आप लोगों के रमज़ान अच्छा गुजर होगा और सब रोज़े भी रखे होंगे ऑब्वियसली। तो जी आज मेरी ड्रेसिंग से भी आपको पता चल गया होगा कि भजन फुल टाइम मुसलमान बने हुए हैं हम जी, फ्रेश फ्रेश मुसलमान हो के आ रहे हैं और रोज़ा भी हैं। और सीन ये है कि यार अभी आज है जी सैटरडे और आज बस हम ही घर बैठे हुए थे, यूनिवर्सिटी से आए थे और कुछ करने को था नहीं, तो हमने जी इफ्तारी का प्लान बनाया। हमने एक दोस्त से लेनी थी इफ्तारी ट्रीट, तो हमने कहा जी चलते हैं। अब जी पहले को दो घंटे हम लोग बैठ के जी हमने डिसाइड किया लोकेशन, अब हमें लोकेशन नहीं डिसाइड हो रही थी, तो सब जगह था बफे सीन और बफे हम करना नहीं चाह रहे थे। तो फिर हमने कहा कि अपना ऑर्डर करना है क्योंकि बफे में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है लेकिन खाया कुछ नहीं जाता आपसे। तो बस इसी चक्कर में, इसी कन्फ्यूजन में हम लोग जी काफ़ी टाइम वेस्ट करते रहे, कभी हवेली का सोच रहे हैं, कभी कहीं सोच रहे हैं। एंड पे जी हमारा ख्याल गया कि हमने खाना भी देसी था, तो हमने सोचा जी जाते हैं बट कढ़ाई, लेकिन लोकेशन कहाँ पर बट कढ़ाई को अच्छी ब्रांच होनी चाहिए। तो फिर हमने सोचा जी बट कढ़ाई फेज 6 में जो सा बना हुआ ना थे, बहुत प्यारी लोकेशन है, देखी नहीं है, गूगल पे देखी थी अभी। और बस फिर हमने कहा जी निकले जल्दी जल्दी, 4:30 बजे निकले और फिलहाल बज रहे हैं मेरे ख्याल से 5:30 हो रहे हैं। और ये मेरे साथ दो बॉयज़ हैं जो उनसे हमेशा आपको नज़र आते हैं, अली अहमद और तैयब, इनसे भी मिलवाता हूँ और ये अपनी स्नैप्स ले रहे हैं। और मैंने कहा मैं जल्दी से थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा सारा इफ्तारी सीन डाल देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट भी साथ साथ आते रहना चाहिए। और बाकी फिर इंशाल्लाह कल परसों जब भी कहीं गए गाड़ी के काम या कुछ भी इस तरह का हुआ तो व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो बस जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और बाकी फिलहाल हम जी ऑलमोस्ट आ चुके हैं DHA में और मेरे ख्याल से नहीं कौन सी जगह है, 5-6 किलोमीटर आगे हैं Phase 6। तो बस जी आगे जा रहे हैं और यहाँ पर रुक के मैंने कहा व्लॉग का इंट्रो देते हैं और इन्होंने स्नैप्स लेनी थी वो स्नैप्स ले रहे हैं। और बस 1 घंटे इफ्तारी में बाकी है, वक्त का मुकाबला सब, तो बस जल्दी से निकलते हैं जी इफ्तारी के लिए और आपसे आगे जाके दिखाते हैं। और गोल्डी पे हम आए हुए हैं, आपको गोल्डी के भी नज़ारा करवा दें काफ़ी दिन बाद। तो बस व्लॉग की स्पीड भी थोड़ी स्लो है लेकिन बस अभी करें, जब जैसे ही फ्री होगा छुट्टियाँ वगैरह होंगी तो इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और रोज़ा लग रहा है, इससे ज़्यादा बोला तो मज़ीद लगेगा, तो लेट्स गो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लेट्स गो। ये देखें जी ये वेले इधर ये स्नैप्स लेने खड़े हो गए हैं, ठीक है। और ये रही जी हमारी माशाल्लाह प्यारी सी गोल्डी जो कि थोड़ी सी रफ़ हालत में है। और जी आपके साथ एक और चीज़ मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ कि ये देखें जी ये उस दिन गाड़ी जा रही थी मुल्तान मेरी और मैं नहीं जा रहा था, तो बस फिर मैंने ना उसका टायर एक की हवा लीक होगी पता नहीं किस वजह से, मैंने गाड़ी को स्टपनी पर लगा के भेज दिया मुल्तान। और वापसी पर वो जो सी हमारी स्टपनी है ना माशाल्लाह से वो कर गई ब्लास्ट मोटरवे पर। और ये देखें जी ये तो ये जी हमारे साथ अभी फ्रेश फ्रेश काम हुआ है। और उसके अलावा वैसे भी गाड़ी बहुत गंदी हुई है क्योंकि मैं डेली जाना होता है UMT, तो अक्सर लोग मुझे UMT में मिल रहे होते हैं, उनको भी यार सब बहुत शुक्रिया, बहुत पार्किंग में मुझे इतना प्यार मिलता है ना लोगों की तरफ से और साथ हेटर्स का भी मिलता है। ये देखें जी कोई ना कोई नया काम होता रहता है, कभी कोई स्क्रैच डाल जाता है, कभी कोई कवर तोड़ के चला जाता है, कभी रिम्स की कोई किनारियाँ उतार के वो ले जाता है कड़े, तो बस ये काम भी मेरे साथ होते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ लोग इतना प्यार देते हैं वहाँ पे थोड़े से हेटर्स भी सही। और बाकी बस गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है और जल्दी से निकले हैं भाईजान, लेट हो रहे हैं, 1 घंटा रह गया, चलो निकलो। ये जी हमें इज्जत दी गई है, हमें अपनी ही गाड़ी में इन्होंने पीछे उठा के फेंक दी है। और ये अली अहमद साहब ड्राइवर आ गए हैं, ये साथ भाईजान ये शोखे होके बैठ गए तैयब साहब, लेकिन आज इनसे ट्रीट ले रहे हैं तो आज इनको ज़्यादा मजाक नहीं करेंगे, इनको ज़रा आज इज्जत देंगे थोड़ी सी। एक दफ़ा इफ्तारी मारो मारो मारो, एक दफ़ा इफ्तारी खा लें इनसे तो इनकी फिर ज़रा थोड़ा सा इनको जलील करेंगे।
तो ये जी हम लोगों के साथ थोड़ा सा प्रैंक हो चुके हैं, हम लोग शायद जल्दी आ गए हैं और बाकी लोकेशन भी शायद थोड़ी सी दूर है तो इस वजह से शायद रश वगैरह नहीं है। तो अभी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जी हमारे फोटोशूट चल रहे हैं फुल टाइम। ये देखें ये जी, ये पहली दफ़ा जब आप गांव से आओ ना तो इस तरह की सीन होते हैं, अच्छी गाड़ी देख के तो इधर खड़े हो जाते हैं, बकवास ना करो यार। तो ये जी इधर फोटोशूट चल रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन 13 प्रो मैक्स के साथ। अब हम इनकी फोटो खराब करेंगे। पिछले को 15 मिनट गुजर चुके हैं और हम लोग पागलों की तरह यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये जी फोटो सेशन अभी भी चल रहे हैं। अब ये भाई आ गए हैं, 15 मिनट नहीं बल्कि आधा घंटा हो गया अब तो, मेरे ख्याल से गुजर गया आधा घंटा। अभी हो रहे हैं जी 6:04 हो चुके हैं और 6:30-40 पे इफ्तार है, तो बस अब अंदर जाके बैठें और जाके ऑर्डर वगैरह करें और फिर देखें क्या सीन है। हाँ फिर ऊपर आ जाएंगे, क्या हो गया। ये देखें जी ये माहौल चौल है और नीचे ही बेहतर है, गर्मी भी है ऊपर थोड़ी सी और लाइट लुइट्स भी नहीं अभी ऑन, तो इसलिए नीचे जाएंगे हम जी। तो हम लोग फिलहाल जी हमने ऑर्डर अपना कर दिए हैं और ऑर्डर में जी को पूरे आधे घंटे की बहस के बाद इन्होंने जाके ऑर्डर फाइनल किया है और अब ये दोनों मुतमईन होकर बैठ गए हैं और यहाँ पे जी ये कॉम्प्लीमेंट्री इफ्तार है हमें जो इन्होंने दिए और बाकी इन्होंने कुछ नहीं साथ देना भाई, यार जामे श्री के मेरे ख्याल से आधा आधा ग्लास देंगे हमें जिससे हमने सबर शुगर करके रोज़ा खा खोल के तो जी नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हम लोग जी अपना ऑर्डर मंगवाएंगे। ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर बाद में आएगा। और थैंक यू तैयब भाई फॉर द ट्रीट, अभी पैसे नहीं दिए लेकिन जब देंगे तब करेंगे इनका थैंक यू, अभी नहीं इनको ज़्यादा शौखा करते और जी माहौल शौल वाह भाई टाइट है। इफ्तार हमने छिक ली है और अब जी बैठे हुए हम लोग अपने खाने के वेट में जो कि सामने बन रहा है और अभी थोड़ा सा लेट ही है वैसे, ज़रा थोड़े से फुल हो गए हैं शरबत वगैरह पी के, तो बाकी माहौल शौल टाइट हो गया माशाल्लाह मज़ेदार किस्म का। तो जी ये हमारा खाना आ चुका है और थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, अभी भूख वगैरह तो इतनी नहीं लगी हुई थी लेकिन फिर भी अब कुछ कर नहीं सकते और ऑप्शन नहीं है तो खाना पड़ेगा स्लो स्लो। और ये भाई से सब्र नहीं हो रहा, इनसे भी नहीं हो रहा और मुझे ये गालियाँ दे रहे हैं कि तुम स्नैप्स बना रहे हो, तो बस जी जल्दी जल्दी खाना खाएं, खाने को ज़्यादा देर नहीं करवाते और फिर आपसे मिलते हैं। देखो इन्हें ये जी ये तब ये चलो सही है फ्लैक्स ना मारो, ये जी आपके साथ तब इस तरह की शक्ल बनती है जब आपके पैसे ज़ाया हो जाए। पैसे ज़ाया किस तरह हो गए हैं तो जी सबसे पहले तो ज़िंदगी का ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है जी, आप जब रोज़े की हालत में एक तो ऑर्डर ना करें, रोज़े की हालत में आपको लगी होती है भूख और आप हो जाते हो जज्बाती इस तरह के, ठीक है, तो फिर आप जी ऑर्डर के बगैर कर देते हो। ये देख रहे हैं जी ये जी सारा हमारा खाना आया पड़ा और ये जी हमने कुछ जज्बाती हो गए ना भूख के अंदर ऑर्डर कर लिया बहुत सारा और आप लोग हाँ शरबत भी हमने खैर बहुत पी लिया। अब इफ्तारी के फौरन बाद खाना खाया नहीं जाता, हमने इनको कहा था कि एक घंटे बाद खाना और इन्होंने हमें खाना 7 बजे ला दिया, तो अब जी सारा कुछ ये खाना हमारा यहाँ पर आया पड़ा है और फिलहाल ख़ुद भी हमारे तो सांस भी नहीं आ रही, यही सोच रहे हैं कि कहीं जहाँ पर बाहर जाके वॉक करें, कहीं पर 5-5 किलोमीटर भागें और फिर रात को बैठ के तो भाई किसी के घर में बैठ के तो हम खाना खाएं बंदे के बच्चों की तरह शराफत तरह घर में बैठ के, तो अब यही सीन है बस यहाँ से निकलते हैं। तो ये भाई बिल पे करने लगे हैं, तो ये भाई दिल पे हाथ रख के प्रैंक हो गया हमारे, प्रैंक हो गया हमारे नहीं दो कार्ड रखी है। ये देखें ये अगर अभी हम सबर शुक्र के साथ ऑर्डर करते तो यहाँ पे बिल हमारा होना था कोई 25 से 3 हज़ार, लेकिन कोई बात नहीं ये लो ब्रो ये आपके लिए, ये टैबलेट साथ लेके जाने वापस आप कॉम्प्लीमेंट्री। ये जी इनके हालात हैं, इनको गाड़ी शाड़ी चलानी कोई नहीं आती, चुप करके आगे आके बैठ गए हैं और रास्ता अंडरपास लेना था कट लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा रहे हैं, मुझे गरीब का पेट्रोल चलाई जा रहे हैं उधर से, वाक्य में हालात जो पेट्रोल के सीएनजी करानी बनती है और अभी हम जी पता नहीं कौन सा ये फेज 6 फुक्स में जलील हो रहे हैं वापस जाने के लिए, तो किसी अच्छी रोड पे चढ़ते हैं और मैं जरा आवाजार होके जी इधर पीछे लेट गया बिल्कुल। The next morning. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे और आज जी है सेकंड डे व्लॉग का और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कुछ खास करने को ना हुआ तो हम वो वाला व्लॉग वहीं पे एंड कर देंगे और नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, तो कंप्लीट तो करना था और आज मैं जा रहा था जी, आज गोल्डी पे नहीं हूँ मैं, आज हूँ अपनी अब्बा जी के प्राडो पे
विद 3-4 की एवरेज और चिल एसी। अब ये सबसे पहले तो मुझे बोलेंगे कि कॉपी कर रहा है, और भाई कॉपी नहीं कर रहा, भाई है वो भी, हाजी हमीज ठीक है। तो लाइन मजे की लगती है, तो बस आ जाए, याद आ गए अब्बा जी की प्राडो से। तो जी आज हमने इसके को थोड़े से मिनट घुमरी जा रहे थे, इसके थोड़े बहुत काम करवाने थे। काम क्या है, काम है वो जाकर आपको मैं बताऊंगा, इतने कोई खास नहीं है, बस छोटी मोटी सेटिंग्स हैं जो कि ख़राब हुई हुई थी चीज़ें वगैरह, इसकी वो करवानी है रिफ्रेश, और उसके बाद और बाकी। ये मेरे साथ भाई सोए हुए उठ के आ गए हैं, ये तो हर ब्लॉग में होते हैं आपको पता ही है, वेले घर से निकाले हुए हैं, और बाकी बस जी नहर पर आ चुके हैं और जा रहे हैं जी हम मिंट घुमरी रोड, और जाकर दिखाते हैं आपको क्या सीन है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोज़ा लग रहा है, और बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा व्लॉग लंबा भी नहीं करेंगे। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलो। फॉलो कैन नॉट फाइंड अ वे देयर। बड़ा गेम है, और एक साइड चेक करें कि माशाल्लाह बड़ी मजेदार की सड़की। और क्या 181 किलोमीटर भाई, साहिवाल का नहीं खोलना, इंडिया भूल गया। ये भाई हमें मिंट घुमरी रोड, यार मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, हम पहली रोड से इधर से टर्न लेते थे या अगली से लेते थे, तो इस वजह से मेरे ख्याल से सेकंड से लेते हैं, तो इसलिए हम आगे जाएंगे अभी। और ये हम भाई लोकेशन खोल के बैठे हैं, 181 किलोमीटर अवे, नाइस माशाल्लाह। ये वजह है कि इंसान मिंट घुमरी पर ना गाड़ी लाने से बहुत बचता है। मैं तो जब कोई सामान होना, मैं कहता हूँ बाइक पर आके सामान लूँ और घर जाके या उधर ही अपनी एरिए में किसी से फिट करवा लूँ। यहाँ पे ये हालात है कि पिछले 15-20 मिनट से इतनी सी गली से जाना था, और इतना रश है कि जगह नहीं मिल रही कहीं पे। अच्छा जी, तो अल्लाह अल्लाह करके हम आ गए हैं जी स्टार्स मोटर स्पोर्ट्स पे, हमजा भाई के पास। पहले इनके पास जाते हैं, इनसे ज़रा रेफरेंस ढूंढ के बंदा ढूंढते हैं। अच्छा जी, तो सीन ये है कि देखें गाड़ी आगे से है जी बिल्कुल साफ़ सुथरी, कहीं से कोई स्क्रैच मतलब कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है, बहुत माशाल्लाह साफ़ है। और बैग पे इसका जो काम थे जी, सबसे पहले तो ये हमने चेंज करना है, इसका ये टूटा हुआ है, ये लास्ट टाइम में गाड़ी मियाँ वाली जा रही थी तो तब ये खुल के गिर गया था और ये सारा टूट गया था, और ये स्क्रैचेस वगैरह, तो ये पता करते हैं अगर तो कोई अच्छा मिल गया तो ठीक है, वरना हम इसको रैप करवा लेंगे, दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास। उसके बाद सेकेंडली ये इसके गोले खुल रहे हैं, ये लास्ट टाइम कल्टस वाले ने ठोकर पर आकर मारी थी तो ये गोले टूट गए थे, ये सेट करवाने हैं। उसके बाद इसका एक डिग्गी का रबड़ होता है, जो अंदर वाला रबड़ होता है वो इसका डैमेज है काफ़ी ज़्यादा, वो करवाना है। और बाकी एक दो लोगो शो गए इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, तो वो साथ साथ आपको मैं बताता हूँ। और अभी हम जरा अंदर बैठेंगे, स्टार्स मोटर स्पोर्ट्स हमजा भाई के पास आए हुए हैं। ये रही जी ये किचन की वैरायटी आ गई आपके पास, ये लाइन आर्ट्स पड़े हुए हैं, उसके बाद वो एग्जॉस्ट स्टीयरिंग साउंड सिस्टम एंड्रॉयड पैनल्स, और ये रहा मेरा वॉलेट, और ये रहा जी तैयब, इसको भी कोई लेना चाहे तो ये भी आपको मिल सकता है, अवेलेबल है और सस्ते में मिल जाएगा। उसके बाद जी ये सारी पॉलिशेस की वैरायटी, ये केजेस पड़ी हुई हैं, साथ में वो ईजे की लाइट्स पड़ी हुई हैं, एग्जॉस्ट पड़े हुए हैं, इसी तरह का सारा सामान ही मेरे ख्याल से मिल जाएगा, जो भी कॉयलवर्स पड़े हुए हैं किट्स। और ये भाई मेरे स्टेटस देख रहे हैं व्हाट्सएप के, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भाई को अगर इस तरह के स्टेटस देखने हो तो। ये देखें जी माशाल्लाह 10.5 के हो गए हैं और स्पीड काफ़ी अच्छी जा रही है, तो आप जाके आप भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ इसको भी कर दें यार, ये इसका बाइक का अकाउंट है, इसको आप लाजमी कर दें फॉलो, नहीं करता है, सिर्फ रिक्वेस्ट बढ़ाता है, तो ना भी करना तो खैर है। मैं ये जी इतनी सी काम में इतनी जलालत होती है, और रोजे के अंदर बस जी बुरा हाल हो चुका है, और ये को तीसरा घंटा चौथा घंटा है मुझे, और अभी ये रबड़ जाके पहला काम हुआ है कि रबड़ जाके मिला है। और बाकी की स्टोरी मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा कि उस उधर क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं लगवाया और क्या हुआ है, तो वो मैं बैठ के बताता हूँ, फिर ये लगवा लें फिर निकलते हैं। अच्छा जी, तो फाइनली जी को 3 घंटे की जलालत के बाद मैं वापस गाड़ी में आ चुका हूँ, और काम जितने सोच के आया था हुए उसका 50-60% है, लेकिन जो मेन काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए, टायर का कवर मैंने ले लिया, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, तो उसके बाद वो मैं दिखा नहीं सका, गर्मी से दिमाग ख़राब और रोजे से दिमाग ख़राब हो चुका हुआ था। अच्छा जी, तो सबसे बड़ी गलती तो पहले मैंने कर दी है कि उनके पास जाने के लिए हमजा भाई के पास आ गया, उनके पास खुद तो सामान इस गाड़ी का सामान होता नहीं, तो उनके पास आगे बंदा था, तो मैंने रात से उन्हीं से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था जी सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन गए हूँ तो वो अलग अलग एक चीज़ के लिए आधा घंटा लगा के आ रहा था, और आके कुछ और ही स्टोरियाँ सुना रहा था मुझे, कभी रेट्स कुछ इस तरह के बता रहा था, कभी कुछ मिल ही नहीं रहा, बल्कि कुछ मिल ही नहीं रहा था, रेट्स आज से सुना रहा था लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा था जिसका फ़ायदा नहीं था,
तो उनको मैंने छोड़ दिया और मैं आगे गया। मैं जहाँ पे मेरी जो उनसे जान पहचान है, जहाँ से मैंने इस गाड़ी के काम करवाता हूँ तो सामान लेता हूँ, उनके पास मैं गया हूँ। मैंने जाके उनसे, इन्होंने मुझे कहा था रबड़ कहीं से नहीं मिल रहा आपको, पूरे मार्केट से नहीं मिलेगा, उनसे मैंने रबड़ भी ले लिया कम प्राइस में। उसके बाद जो है वो टायर का कवर भी ले लिया और बाकी वो गोले वगैरह का मैंने पता कर लिया था, वो रिपेयरिंग भी नहीं फिलहाल हो रही थी और अभी वो होनी भी नहीं थी, एक दो दिन लगने थे। मैंने कहा वो मिस कराओ ठीक है, उनके बगैर भी काम चल जाएगा। और उसके अलावा बाकी इस तरह के छोटे मोटे थे बस, अब डीजल भरवाते हैं इसके क्योंकि नेक्स्ट वीक जाना है मियाँ वाली ईद पे, बस इसी वजह से छोटे मोटे काम करवाने ज़रूरी थे और अब जा रहे हैं हम वापसी की तरफ। और व्लॉग में मैं आज का करता हूँ यहाँ पे एंड, के डेली व्लॉग था थोड़ा सा, तो बस उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा और बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।